10 साल बाद ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान के लिए भरेगी उड़ान। आतंकी हमले के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने सेवा बंद कर दिया था। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर हिंदुस्तान पहुंचे हामिद अंसारी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। देश में पहली बार महिलाओं की पार्टी। 36 साल की महिला डॉक्टर ने बनाई पार्टी। चिराग पासवान की भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लोजपा की नाराजगी। संचार उपग्रह G7A की लॉन्चिंग। वायुसेना के लिए होगा मददगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। 10 साल बाद ब्रिटिश एयरवेज पाकिस्तान के लिए फिर से उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। ब्रिटिश एयरवेज के अनुसार ये सेवा अगले साल 15 जून से शुरू होगी, जिसमें बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के बीच उड़ान भरेगा। गौरतलब है कि 2008 में इस्लामाबाद के मैरियट होटल में आतंकी हमले के बाद ब्रिटिश एयरवेज ने पाकिस्तान के लिए अपनी सेवा बंद कर दी थी। हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा सांसद चिराग पासवान द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को चेतावनी देते हुए ट्वीट के बाद बिहार में राजनीति गर्मा गई है। अपने ट्वीट में चिराग कहते हैं कि TTP और रालोसपा के जाने के बाद गठबंधन नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते सम्मान पूर्वक तरीके से दूर करें। ट्वीट पर गौर करें तो इसमें गठबंधन में बचे हुए साथियों की चिंताओं को समय रहते दूर करने की बात कही गई है। इसमें TDP और रालोसपा के उदाहरण भी दिए गए हैं। सवाल यह है कि समय सीमा क्या है और चिंताओं के सम्मानजनक समाधान क्या है। साल का आखिरी मिशन संचार उपग्रह G7A की लॉन्चिंग आज। वायुसेना के लिए होगा मददगार। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इससे इस साल का 17वां मिशन GSLV F-11 से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 2225 किलोग्राम वजनी उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज इसे उपग्रह G7A लॉन्च करेगा। 2225 किलोग्राम वजनी ये सैटेलाइट है। देश में पहली बार सिर्फ महिलाओं की पार्टी बनी। अगले साल लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी। 36 साल की महिला डॉक्टर ने बनाई पार्टी। दावा है कि 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं का समर्थन जुटा पाएगी पार्टी। पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव लड़ेगी और समान विचारधारा वाले दलों से समर्थन भी लेगी। संसद में महिलाओं की 50% आरक्षण दिलाना पार्टी का मकसद है। 36 साल की महिला डॉक्टर ने मंगलवार को महिलाओं के लिए देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनाई है। राष्ट्रीय महिला पार्टी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। संसद में महिलाओं को आरक्षण दिलाने और वर्क प्लेस पर उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पार्टी की राष्ट्र अध्यक्ष श्वेता सेट्टी ने कहा है कि पुरुष प्रधान राजनीतिक प्रणाली में पूरी तरह से महिलाओं की एक पार्टी का होना बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य महिलाओं के प्रतिनिधित्व करना है, खासकर उनको जो वंचित है। पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर हिंदुस्तान पहुंचे हामिद नेहाल अंसारी। बुधवार को अपने परिवार के साथ नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस दौरान वो काफी भावुक हो गए और विदेश मंत्री को धन्यवाद कहा। हामिद अंसारी अपनी मां के साथ सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे। सुषमा से मुलाकात के दौरान हामिद की मां ने बेहद भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मैडम, आपकी वजह से संभव हो पाया है कि हामिद आज हमारे बीच में है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि वो सिर्फ भारत के एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि देश के एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी थी। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में अपनी पुस्तक चेंजिंग इंडिया को लॉन्च के बाद उन्होंने कहा कि मुझे देश के एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ऐसे जाए
am in the UGC. He said, hasn't Dr. Alexander mentioned to you what we have for you? I said, I didn't take him very seriously. And I became the finance minister. So people say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. असम राज्य के नलबारी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय से नलबारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक रैली निकाली और डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया। नलबारी के विधायक अशोक शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोल के नरेंद्र मोदी को बदनाम किया था, झूठ निकली है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के सामने धरना देकर रोष प्रदर्शन पर अपना विरोध जताया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विधायक अशोक शर्मा। नलबारी में भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश का नेतृत्व जो ने सिद्धांत लिया कांग्रेस का भ्रष्टाचार और मिथ्याचार के बारे में, वो इसके लिए हम लोग प्रतिवादी समदल निकला और डिप्टी कमिश्नर का हाथ में हमारा स्मारक पत्र दिया राष्ट्र महामान्य राष्ट्रपति के लिए। और जो कांग्रेस ने जो मिथ्याचार चला रहा है, फैला रहा है देश में, ये बंद कराने के लिए हमने आज ये प्रतिवादी कार्यसूची। आगामी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर आसपास के जनपदों में भी यात्रियों के रहने और सुरक्षा को लेकर खास प्रबंध किया जा रहा है। उसी को लेकर दो दिवसीय दौरे पर आए जिले के नोडल अधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने जिला पंचायत सभागार पहुंचे। जिले के जिला अधिकारियों के साथ कुंभ मेला को लेकर कानून व्यवस्था, यात्रियों के रहने और जनपद में विकास कार्य को लेकर घंटों समीक्षा की। चूँकि 15 जनवरी से महाकुंभ इलाहाबाद में प्रारंभ होना है और विंध्य क्षेत्र में भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो उसका जो प्रेशर यहाँ पे रहेगा उसको देखते हुए जिलाधिकारी से और पुलिस अधीक्षक के साथ में बैठक पे ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्थित तरीके से विंध्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं के जो आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था और उनकी जो सुविधाएं हैं उसमें टेंटेज की, स्वास्थ्य की, पानी की सारी व्यवस्थाएं, क्राउड कंट्रोल की व्यवस्था कर ली जाए समय से रहते हुए। स्टेशन पर विशेष रूप से व्यवस्था देख लिया जाए जिससे कि कुंभ के दौरान जो भी श्रद्धालु विधि क्षेत्र में आएंगे दर्शन करने के लिए आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो। तो लैंड ऑर्डर के हिसाब से और ट्रैफिक को मैनेज कर लिया जाए, ये तो विशेष रूप से निर्देश दिया गया था। दूसरा, विकास कार्यों में ग्राम पंचायतों में चूँकि काफ़ी पैसा पड़ा हुआ है और हमारे पास काम करने के लिए समय केवल 3 महीना बचा है, जब चुनाव आ जाएगा उसके बाद, तो ये जिला पंचायत राज अधिकारी को, उससे संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं पूरी कार्य योजना बना करके ग्राम पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के, जिला पंचायत के पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित कर लिया। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के तहत विभूति नारायण राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद और SP राजेश S के साथ ही नवधान की ग्राम प्रधान मालती देवी ने द्वीप प्रज्वलित किया है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, संसद प्रतिनिधित्व शैलेंद्र दुबे, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री नागेंद्र सिंह मौजूद रहे। नारी सशक्तिकरण, महिलाओं में जागरूक करना, उनको अधिकार को जगाने के लिए यह कार्यक्रम आदरणीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, 1 महीने का कार्यक्रम था, कार्यक्रम तो लगातार चलता रहेगा लेकिन यह 1 महीना अभियान तरीके चला है कार्यक्रम, महिलाओं को जागरूक करना, महिलाओं को हिंसा से निपटने के लिए, लड़ने के लिए उनके बारे में जानकारी देना आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। आगरा थाना एतमादौला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी कार्रवाई में भारी मात्राओं में सिरप बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। सिरप के भरे कार्टून दर्जनों हैं। बताया जा रहा है कि जिन सिरप की बरामदगी की गई है वो ओबर्ट कंपनी का फेंसिडल सिरप है और खांसी को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जैसा कि आप लोगों ने, हमारे कलीग ने अभी शर्मा जी ने बताया कि कहीं से सूचना मिली थी यहाँ पर जो है काफ़ी मात्रा में जो है फेंसाडिल जो है रखा हुआ है,
उस सूचना पर यहाँ पर कार्रवाई की गई, तो गोदाम में जो है करीब 48,000 बोतलें जो है फेंसाडिल की हैं, और वहाँ पर मौके पर 25,000 के बिल मिले हैं, 25,000 बॉटल के परचेज बिल जो है, इनवाइस जो है ट्रांसपोर्टर के। सर, ये 48,000 जो बोतलें लगभग कितने की कीमत की होंगी? 140 MRP है ना, उस हिसाब से 6,72,000 नहीं यार 70 60 लाख के ऊपर का होगा, 6 लाख नहीं 60 लाख के, 50-60 लाख के करीब है। और उनके पास अभी 25,000 का बिल हम लोगों ने देखा है, और संभावना ये बताई जा रही लग रही है, अभी मालिक थोड़ी देर पहले आया है उसका, वो कुछ साफ जवाब नहीं दे पा रहा, उसके पास गोडाउन का लाइसेंस है कि नहीं है, वो कह रहा है कि हमारे बाद में हम कल दिखा देंगे, एक दो दिन का टाइम मांग रहा है वो। मौके पर यहाँ पर गोदाम का कोई लाइसेंस नहीं मिला है, अगर लाइसेंस नहीं मिला तो बिना लाइसेंस दवा भंडारण के जो उसके ऊपर जो है वो किया जाएगा, मुकदमा किया जाएगा। अभी हम लोग जो है फॉर्म 15 पर, हमारे यहाँ ये होता है पावर है हमारे कि हम उनकी दवाइयों का डिस्पोजल जो है उसकी बिक्री और वितरण हम लोग अभी रोक दे रहे हैं। क्या गोदाम को सीज किया जा रहा है? हम गोदाम को इतना माल हम लोग लेकर, हमारे पास तो उतना गोदाम है नहीं ना, और अभी उनके पास बिल है, पार्शियल बिल उन्होंने दिखाया है, बाकी और का बिल दिखाना है, हम लोग बाकी विवेचना करेंगे। जो सिरप मिला है क्या इसका उपयोग नशे का? गठबंधन की कमान मायावती अपने ही पास रखना चाहती है। अमर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है, जनहित में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। ये सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमर सिंह। बड़ा आंदोलन और धरना हम यहाँ कलेक्ट्रेट पे देंगे, यही मेरी मांग। समाजवादी पार्टी आदमी के चरित्र का हस्ताक्षर नहीं बदलता, हमारा भी नहीं बदला है, इसलिए हम मिशन मोदी में आ गए हैं। 4.5 साल से मोदी जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी में प्रविष्टि के लिए मैंने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाएं वृद्धों के लिए बनाई, पेंशन योजना, अगर जिस पुत्र पर वो आश्रित हैं वह पुत्र उनको न देखे तो जेल जा सकता है इसका प्रावधान, यात्रा में उनको दे सुविधाएं, लेकिन अभी एक सर्वे हुआ गवेषणा हुई उसमें पेंशन के अलावा और किसी योजना। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में बिगुल फूंकते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर मुरादाबाद के सड़कों पर निकल पड़े। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है ना तो किसानों को गन्ना का बकाया भुगतान मिला है, और जिससे प्रदेश भर के किसान आहत हैं और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।